फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, हमारे प्लेन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होने के बाद मैं सेंटर में एक और एक सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगा। ये हमारा वर्टिकल लाइन और सेकेंड वन हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, तो पहले मैं इसका बेसिक स्ट्रक्चर से स्टार्ट करूँगा। पहले मैं इसके कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है वो ड्रॉ करूँगा, उसके बाद इसमें मैं डिटेलिंग ऐड करूँगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर के तरफ मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। पहला एक मेरा वर्टिकल लाइन यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, अब यहाँ से एक और मैं अपने रेक्टेंगल को कंप्लीट करूँगा। यहाँ पर मेरा एक रेक्टेंगल तैयार है। सिमिलरली यहाँ पर मैं कुछ और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल आएगा मेरा, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में जॉइन करूँगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल आ गया, यहाँ पर सेम बट इस बार थोड़ा लेंथ में मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से एक मैं लाइन ड्रॉ लूँगा, एक सर्टेन हाइट तक इसे इनक्रीज करूँगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं करूँगा। अब इस लाइन को मैं जॉइन कर दूँगा और नीचे की तरफ एक और लाइन। सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी सेम ड्रॉ रिपीट करूँगा। जो यहाँ पर मेरा मेन पोल है, सेम यहाँ पर मैं एक मेन पोल बनाऊँगा और यहाँ पर दो एक और रेक्टेंगल्स ड्रॉ करूँगा। तो गाइस मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैंने जो बेसिक स्ट्रक्चर्स थे, शेप्स थे, वो उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिटेल्स पर ध्यान देंगे। तो मैं वन साइडेड पोर्शन में डिटेल्स ऐड करूँगा और सेम साइड में यहाँ पर भी सेम चीज़ मेरा रिपीट होगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंटर में आऊँगा। सेंटर में मैं यहाँ पर ऊपर के थोड़े लेंथ पर एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सेंटर पे ध्यान दूँगा, सेंटर के सारे स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करूँगा। यहाँ पर मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन, अब सेम लाइन को मैं यहाँ तक एक्सटेंड करूँगा। अब सेंटर पे मैं डिटेल्स ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक रैंडम लेंथ लेना है इस एंड से और सेम लेंथ मुझे यहाँ पर रिपीट करना है। यहाँ से मेरे दो वर्टिकल्स लाइन आएंगे। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पर मैंने दो रेक्टेंगल्स और ऐड किए जिनका लेंथ मैंने अप्रॉक्स 1-1 सेंटीमीटर्स लिया है। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। यहाँ पर मेरे तीन मैं विंडोज टाइप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले मैं शुरुआत करूँगा। ये मेरा पहला विंडो आ गया यहाँ पर। अब सेम विंडो मैं यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा। अब सेम स्ट्रक्चर को मैं अंदर रिपीट करूँगा पर ऐसे यहाँ पर मैं तीन विंडोज ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ भी विंडोज ऐड किया और यहाँ पर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा डिटेल्स ग्रिल्स टाइप ऐड किया है। और आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पर सिर्फ वन साइडेड ड्रॉ करने वाला हूँ और अगले साइड में स्किप करूँगा, क्योंकि वरना बहुत डिटेल्स हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर भी रिपीट होगा। तो मैं वन साइडेड ड्रॉ करूँगा, बाकी का आगे स्किप करूँगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तब तक आगे का सेंटर पार्ट पर मैं ध्यान दूँगा। यहाँ पर से मैं कर्व लूँगा, इस कर्व को मैं थोड़ा डबल लाइन करूँगा। अब इस कर्व को ऊपर की तरफ से मैं एक्सटेंड करूँगा थोड़ा। अब इस दो पिलर्स पर ध्यान देते हैं। पिलर्स की तरफ मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दो थिन पिलर्स लूँगा, अब द सेम हाइट। अब यहाँ पर एक मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन, अब हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं कुछ
डोम शेप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूंगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी रिपीट करना है। तो यहाँ पर मैंने सेकंड डोम भी कंप्लीट किया है। यहाँ पर मैंने कुछ और एक्स्ट्रा लाइंस ऐड किए डिटेल्स के लिए। सिंपली मैंने दो वर्टिकल लाइन एक्सटेंड किए। अब चलिए और डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर मैं कुछ विंडोज़ ऐड करूँगा। सिंपली मुझे क्या करना है, इस स्ट्रक्चर्स को मुझे यहाँ पर रिपीट करना है। पर एक बात का ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर से थोड़ा वो छोटे साइज़ में हो। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने विंडोज़ का काम कंप्लीट किया है। सिंपली स्ट्रक्चर्स को मैंने रिपीट किया है यहाँ पर सेम पैटर्न में। अब आगे की तरफ आते हैं। चलिए यहाँ पर मैं जिस तरह से यहाँ पर मैंने दो सिमिलर लाइन ड्रॉ किए थे मेरे रेक्टेंगल पे, सेम यहाँ पर भी मैं सेम दो रेक्टेंगल्स और ड्रॉ करूँगा। तो गाइस यहाँ पर मैंने इस पार्ट का भी काम कंप्लीट किया है। सिंपली मैंने क्या किया, अपने रेक्टेंगल में दो लाइंस ड्रॉ किए अप्रॉक्स 1-1 सेंटीमीटर के गैप में, और इस लाइन के हाइट में मैंने एक और लाइन ड्रॉ किया और सेंटर के लाइन को मैंने रब कर दिया। अब इसके तरफ डिटेल की तरफ ध्यान देते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन्स ड्रॉ करूँगा, और कुछ विंडोज़ के लिए मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर एक। अब इस लाइन पर मैं विंडोज़ ऐड करूँगा। सिंपली डोर स्ट्रक्चर्स, पहला एक डोम शेप यहाँ पर एंड द सेकेंड वन यहाँ पर। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी करना है, पहला यह है, दूसरा यहाँ। अब और डिटेल्स पर ध्यान देते हैं। सेंटर पार्ट पर आते हैं। सेंटर पार्ट के लिए मैं यहाँ पर कुछ लाइंस में चेंजेस करूँगा। कुछ ऐसे लाइंस ड्रॉ करूँगा मैं यहाँ पर, और उन लाइंस पे एक और ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँगा। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी रिपीट करना है विद द सेम हाइट। अब यहाँ से मैं कुछ और उसको डिफाइन करूँगा, एक डोम शेप यहाँ पर और दूसरा डोम शेप यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैं कुछ और प्लेटफॉर्म्स बनाकर यहाँ पर कुछ और विंडोज़ ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पर डिटेल्स भी कंप्लीट किया है। सिंपली मैंने क्या किया, कुछ डोम्स ऐड किए, यहाँ पर कुछ और लाइनिंग्स ड्रॉ किए, यहाँ पर कुछ प्लेटफॉर्म्स बनाए। सेंटर के पार्ट पर ध्यान देते हैं। सेंटर के पार्ट पर मैं कुछ इस एंड तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर से मैं एक डोम स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा। इस तरह से मेरा कुछ डोम का शेप आएगा। अब ऊपर की तरफ मैं कुछ और विंडोज़ ऐड करूँगा यहाँ पर। सिंपली इस लाइन को मैं रिपीट करूँगा। इस लाइन को रिपीट करने के बाद यहाँ पर कुछ और विंडोज़ ऐड करूँगा। अब यहाँ पर मेरे कुछ स्मॉल विंडोज़ ऐड करूँगा मैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसका डिटेल्स का काम ऐड कर दिया। यहाँ पर कुछ विंडोज़ ऐड किए, यहाँ पर कुछ और कर्व्स लाइन ड्रॉ किया और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन और कुछ ग्रिल्स ऐड किए। तो लगभग यहाँ पर हमारा काम खत्म हुआ। ऊपर की तरफ थोड़ा काम बचा है। यहाँ पर मैं कुछ और विंडोज़ ऐड करूँगा। सिंपली मुझे करना क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उस पर मैं कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा उल्टा यू के स्ट्रक्चर्स में। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी करना है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वहाँ पर मेरे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स आएंगे, फिर सिंपल वर्टिकल लाइन्स मैं उन्हें जॉइन कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं कुछ और डिटेल्स के लिए कुछ एक और दो डोम्स ऐड करूँगा यहाँ पर। पहला डोम यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर। तो डोम्स यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने, और कुछ और इसमें फर्दर डिटेल्स के लिए मैं कुछ और ग्रिल्स बैल्कनीज वगैरह ऐड करूँगा। तो इसी तरह यहाँ पर मेरा डिटेल्स जो ऐड करने का काम था कंप्लीट हुआ। मैंने यहाँ पर कुछ और डोम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, यहाँ पर कुछ लाइन को मैंने थोड़े एंड तक और एक्सटेंड किया है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पर इस जगह पर आऊँगा। इस पोर्शन में मुझे क्या करना है, कुछ डोम शेप जैसे ड्रॉ करना है, और यहाँ पर मेरे कुछ पिलर्स आएंगे। तो मैं कंटिन्यू करूँगा। करना क्या है मुझे, सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ पिलर्स ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रैंडम मेजरमेंट्स के दो पॉइंट्स लूँगा, उन पॉइंट्स के थ्रू मैं अपने पिलर्स ड्रॉ करूँगा। सिंपली
एक वर्टिकल लाइन पहला यहाँ पर और सेकंड वर्टिकल लाइन यहाँ पर, पोल्स मेरे रेडी हो गए। अब यहाँ पर पोल्स में मैं फर्दर डिटेल्स ऐड करूँगा। यहाँ पर मुझे कुछ सी शेप स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं एक सर्टेन हाइट तक। पहले मैं क्या करूँगा, मेजर लूँगा एक सर्टेन हाइट तक, मैं यहाँ पर कुछ सी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। इस सी स्ट्रक्चर को मुझे ऊपर वाले फ्लोर तक एक्सटेंड करना है। अब ऐसे सी स्ट्रक्चर्स मैं कुछ और यहाँ पर भी ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पर मैंने और डोम शेप्स ऐड कर दिए सी शेप में। यहाँ पर मैंने अपने पिलर्स में भी थोड़ा बेस सपोर्ट दिया और यहाँ पर कुछ और मैंने छोटे मोटे डिटेल्स ऐड किए। अब चलिए बाकी का काम देखते क्या बचा है हमें हमारे पास। अब यहाँ पर मेन सेंटर पार्ट पर आते हैं। सेंटर पार्ट को हम थोड़ा और डिफाइन करेंगे, यहाँ पर और डिटेल्स वगैरह ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ और वर्टिकल लाइन्स लूँगा। सर्टेन हाइट तक मैं इस वर्टिकल लाइन को एक्सटेंड करूँगा। अब इस वर्टिकल लाइन को मैं एक कर्व शेप में जॉइन कर दूंगा। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा और गैप में रखकर और एक कर्व लाइन ड्रॉ करूँगा, बट इस बार थोड़ा अपने वर्टिकल लाइन से उसे एक्सटेंड करूँगा बाहर तक। सिंपल। अब यहाँ पर मेरा एक और डोम आएगा। डोम हो गया। अब डोम के ऊपर मैं सेम कुछ और चीज़ डिटेल्स ऐड करूँगा। डिटेल्स ऐड करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ और एक पिलर जैसा स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूँगा। फिर एक और मेरा कर्व फ्लैट। फिर यहाँ पर मैं कुछ और अंदर की तरफ डिटेल्स ऐड करूँगा और आखिर में यहाँ पर एक और छोटा सा डोम ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पर मैं खाली खाली इससे मैं कुछ और डिटेल्स वगैरह ऐड करूँगा, कुछ विंडोज़ कुछ प्लेटफॉर्म्स वगैरह ऐड करके। तो यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट पे भी डिटेल्स वगैरह ऐड कर दिया। सिंपली मैंने कुछ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए। वर्टिकल लाइंस पे मैंने कुछ स्मॉल स्मॉल विंडोज़ ऐड कर दिए। अब आगे की तरफ ध्यान देते। अब अप्रॉक्स हमारा 50% काम होने आया है। यहाँ पर मैं कुछ और पिलर्स यूज, हमारे दो वर्टिकल लाइंस थे इन्हों भी मैं पिलर के लिए ऐड कर दूंगा और यहाँ पर मैं अपने जो सी स्ट्रक्चर्स को और रिपीट करूंगा। तो कंटिन्यू करते। तो यहाँ पर सेंटर्स में भी मैंने पोल्स ऐड कर दिया है। सिंपली चार पोल्स लिए, उन्हें सी शेप से मैंने अपर पार्ट को कवर किया और यहाँ पर कुछ मैंने एजेस ड्रॉ किए ताकि और डिटेल्स में से स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करूँ। अब लगभग हमारा हाफ पोर्शन जो है कम्प्लीट हो चुका है। अब सिंपली मुझे सेम स्टेप्स यहाँ पर भी रिपीट करने हैं। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा, यहाँ पर सेम विंडोज़ ऐड करूँगा, सेम डिस्टेंस पे मैं रखकर अपने पोल्स ड्रॉ करूँगा और यहाँ पर मैंने एज इट इज़ जैसे मैंने दो वर्टिकल्स लाइन लिए, सेम यहाँ पर भी मैं दो वर्टिकल्स लाइन लेकर ड्रॉ करूँगा और एज इट इज़ मैं अपने जो डोम्स यहाँ पर नेसेसरी मैं ऐड करूँगा, डिटेल्स वगैरह सेम इस पार्ट की तरह मैं रिपीट करूँगा। तो मैं तो गाइज यहाँ पर मैंने सेकेंड पार्ट को भी कंप्लीट कर दिया। डिटेल्स वगैरह ऐड करना सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पर किया वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर रिपीट किया। बस मुझे एक बात का ध्यान रखना है कि जितने भी मेरे लाइंस है सब हॉरिजॉन्टल वो सब सेम प्लेन में हो, सेम लेंथ के हो, उनकी जो हाइट है दोनों साइड की सेम हो। अब इसी के साथ लगभग हमारा जो डायग्राम है ड्राइंग है कम्प्लीट होने आया। अब कुछ जो छोटे मोटे डिटेल्स वगैरह बचे हैं मैं वो ऐड करके कम्प्लीट कर लूँगा हमारा ड्राइंग। तो यहाँ पर मैं कुछ और डोम्स और स्ट्रक्चर्स ऐड करूँगा जो सेम यहाँ पर और एक यहाँ पर रिपीट करूँगा स्ट्रक्चर्स को। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सिंपली मुझे करना क्या है, कुछ वर्टिकल लाइंस को मैं इस प्लेन हॉरिजॉन्टल लाइन से जॉइंट करूँगा और उस हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैं कुछ अपने डोम्स ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर कुछ पिलर्स ऐड करूँगा तो सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने डोम्स भी दोनों तरफ ऐड कर दिए।
अब नीचे की तरफ थोड़ा डिटेल्स ऐड करूँगा। यहाँ पर मैं सिंपली, मुझे करना है कुछ, करना क्या, सिंपली कुछ ग्रिल्स वगैरह ऐड करने हैं अंदर की तरफ कुछ डिटेल्स में। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ पर एक सर्टेन लिमिट तक हाइट में अपना हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ तक इस लाइन को मैं रिपीट करूँगा एक और नीचे सेम पैरेलल रखकर। और यहाँ पर मैं कुछ और पिलर्स ड्रॉ करूँगा सेम इस स्ट्रक्चर्स में। तो इस साइड में मैंने डिटेल्स ऐड कर दिए। सिंपली मैंने किया क्या, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस लिए, कुछ वर्टिकल लाइंस मेरे पोल्स के लिए, और उन्हें सी स्ट्रक्चर्स में मैंने कंप्लीट किया। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा। तो सेकेंड साइड में भी मैंने डिटेल्स ऐड कर दिया, और लगभग इसी के साथ हमारा जो मेन जो ड्राइंग था वो कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा फ्रंट के तरफ मैं ध्यान दूंगा कुछ गार्डनिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, सेंटर में एक पॉइंट लूँगा। अब इस पॉइंट की हेल्प से मैं अपने लाइंस ड्रॉ करूँगा, सिंपल वन पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला कंसेप्ट। मैं एक एंड को इस पॉइंट पर रखूँगा स्केल का, और सेकेंड एंड को इस पॉइंट पर, दोनों एंड से मैं यहाँ पर एक लाइन एक्सटेंड करूँगा। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा, एक एंड को इस तरफ, दूसरे एंड को इस तरफ। अब यहाँ से मैं एक लाइन एक्सटेंड करूँगा। अब इस लाइन से मैं एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँगा। यहाँ पर पहला हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर मेरा दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहाँ पर मैं कुछ और ऐसे ड्रॉ करूँगा, सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लूँगा। अब इस पॉइंट के मदद से मैं यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से कुछ और लाइन ड्रॉ करूँगा। सिंपली एक पॉइंट वैनिशिंग पॉइंट पे एंड पे रखूँगा, और एक रैंडम लेंथ इस लाइन पर। अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा, सिंपल चीज़ मैं यहाँ पर भी रिपीट करूँगा। पहले मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है इसका लेंथ कितना होगा। इसका अप्रॉक्स है 5.6, तो 5.6 पर मैं यहाँ पर एक पॉइंट रखूँगा। अब यहाँ से और इस पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। तो इसी के साथ हमारा जो मेन फ्रेमवर्क था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मैं दो ग्रिल्स ऐड करूँगा। ग्रिल्स ऐड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक वर्टिकल लाइन लूँगा। वर्टिकल लाइन के टॉप एंड को मैं अपने वैनिशिंग पॉइंट से जॉइंट करके एक लाइन ड्रॉ करूँगा। अब सिंपली यहाँ पर भी मैं सेम हाइट में एक वर्टिकल लाइन लूँगा। वर्टिकल लाइन के टॉप एंड को मैं अपने वैनिशिंग पॉइंट से जॉइंट करके स्केल से अंदर की तरफ एक और लाइन एक्सटेंड करूँगा। यहाँ पर मेरे ग्रिल्स कंप्लीट हुए। यहाँ पर मैं कुछ और इसमें डिटेल्स वगैरह ऐड करूँगा। तो यहाँ पर मैंने ग्रिल्स ऐड कर दिए। सिंपली मैंने यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से कुछ लाइन ड्रॉ किए, और यहाँ पर कुछ सिंपल वर्टिकल लाइन। तो इसी के साथ हमारा जो ड्राइंग है कंप्लीट हो गया। अब मैं फर्दर, अगर आपको डिटेल्स ऐड करना है तो मार्कर से, या मोस्टली पॉइंट के स्केच पेन से आप इसमें कुछ और शेडेड पोर्शंस ऐड कर सकते हैं। कुछ जगह को आपको डार्क करना है डार्क करिए, जिसको लाइट रखना है लाइट रखिए। तो कंटिन्यू करूँगा मैं इसी के साथ। तो गाइज, यहाँ पर मैंने नेसेसरी मार्कर्स डिटेल्स ऐड किए हैं, लगभग मेरा काम कंप्लीट होने वाला है। तो मैं सभी जगह पर मार्कर से डिटेल्स ऐड करूँगा, जहाँ पर नेसेसरी वहाँ पर शेड्स करूँगा। इसी के साथ हमारा जो आज का वीडियो है कंप्लीट हुआ। आज हमने सीखा पैलेस कैसे ड्रॉ करते हैं विद सिंपल इजी मेथड। तो अगर आपको किसी भी स्टेप में अगर कुछ डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं हेल्प कर दूंगा आपको। अगर कुछ कुछ ड्रॉ करने में कन्फ्यूज़न है क्या कैसे करना है, तो प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो जो है कंप्लीट होता है। तो गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।